हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है फैक्ट बात। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं एक इंट्रो के बाद। हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी को हमारे भारत स्पेस एजेंसी के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसे कि हमारा स्पेस एजेंसी का नाम इसरो है, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए दोस्तों, अपने भारत देश की इसरो से जुड़े कुछ फैक्ट को जानते हैं। फैक्ट नंबर 10 दोस्तों, इसरो की स्थापना डॉक्टर विक्रम साराभाई ने सन 1969 में स्वतंत्रता दिवस के दिन किए थे। इन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक भी माना जाता है। फैक्ट नंबर 9 दोस्तों, यह जानकर आपको गर्व होगा, भारत ने 86 सैटेलाइट लॉन्च करने के अलावा इसरो ने अभी तक 21 अलग अलग देशों के लिए भी 89 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। फैक्ट नंबर 8 दोस्तों, पाकिस्तान की भी एक स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है सुपारको। यह 1961 में बनी थी, जबकि इसरो 1969 में। इसरो आज तक अपने लिए 86 सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है, जबकि पाकिस्तान का सुपार को सिर्फ 2 ही सैटेलाइट को लॉन्च कर चुका है, वो भी विदेशी कंपनियों के मदद से। फैक्ट नंबर 7 भारत का इसरो अब तक 20 देशों के लिए अलग अलग 57 उपग्रह अब तक लॉन्च कर चुका है। फैक्ट नंबर 6 भारत द्वारा लॉन्च किया गया पहला स्वदेशी उपग्रह SLV-3 था। इस सैटेलाइट के डायरेक्टर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, ये जानकर आपको हैरानी होगी, अमेरिका का स्पेस एजेंसी नासा, अमेरिका नासा पर जितना पैसा एक साल में खर्च करता है ना, उतने में इसरो 40 साल तक काम कर सकता है। इतना ज़्यादा नासा पर पैसे खर्च किए जाते हैं। फैक्ट नंबर 4 किसी और संगठन की अपेक्षा इसरो में सबसे ज़्यादा सिंगल साइंटिस्ट लोग हैं। इन्होंने कभी शादी नहीं की और पूरा जीवन संगठन को समर्पित कर दिया। फैक्ट नंबर 3 2008 से 9 में इसरो ने चंद्रयान 1 लॉन्च किया था, और यह जानकर आपको हैरानी होगी, चंद्रयान 1 का बजट 350 करोड़ रुपये था, जो नासा से 8 से 9 गुना कम था, और यही चंद्रयान 1 ने चांद पर पानी की खोज किया था। फैक्ट नंबर 2 भारत का इसरो अपने पहले प्रयास में मंगल ग्रह पर पहुंचने वाला एकमात्र देश है। अमेरिका 5 बार, सोवियत संघ 8 बार और चीन रूस भी अपने पहले प्रयास में असफल रहे थे। फैक्ट नंबर 1 दोस्तों, इसरो का मंगल मिशन आज तक का सबसे सस्ता है, सिर्फ 450 करोड़ रुपये में। देखा जाए तो 12 रुपये प्रति किलोमीटर, जो एक ऑटो के किराए के बराबर है। इसलिए दोस्तों, हमारे देश का मंगल मिशन कई हॉलीवुड फिल्मों से भी सस्ता है।